बिहार के नालंदा में पहाड़पुरा से उस्तार दरगाह के बीच में हुई फायरिंग, 3 लोग जख्मी। घायल मोहम्मद आज, शकील अहमद अंसारी और गुलशन कुमार को सदर अस्पताल में किया गया भर्ती, करीब 12 राउंड हुई थी फायरिंग। नालंदा के डीएम और एसपी ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया, फ्लैग मार्च के बाद चली गोलियां। पुलिस ने बिहार शरीफ नगरीय क्षेत्र में लगाया कर्फ्यू, लोगों से घरों में रहने का किया गया ऐलान। सासाराम के सफुलागंज में फिर भड़की हिंसा, जमकर हुई पत्थरबाजी और बम भी चले। बमबाजी और पथराव में 5 लोग बुरी तरह से जख्मी, घायलों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती, कुछ को बनारस के बीएचयू अस्पताल में भेजा गया। बमबाजी के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है, डीएम ने कहा बम ब्लास्ट की हो रही है जांच। सासाराम के सभी सरकारी और निजी स्कूल 4 अप्रैल तक बंद, कोचिंग सेंटर्स को भी बंद रखने का आदेश जारी। बिहार के भागलपुर से भी हिंसा की खबर, मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे लोगों पर पथराव। दो गुटों के बीच पथराव में एक महिला जख्मी, पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया। पथराव की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम, लोगों से बात करके मामले को शांत करवाया। बिहार में हुई हिंसा को सीएम नीतीश कुमार ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कुछ लोगों ने जरूर गड़बड़ किया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर में लगातार 2 दिन के हिंसा के बाद अब शांति है, कर्फ्यू को 3 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। हावड़ा में इंटरनेट सेवाएं की गई बहाल, अब हिंसा के मामले में दर्ज केस की जांच सीआईडी को सौंपी गई। हावड़ा की हिंसा के मामले में अब तक 38 लोग गिरफ्तार, 2 केस दर्ज, हावड़ा के सीपी ने जानकारी दी। हावड़ा सीपी की लोगों से अपील, डरने की कोई जरूरत नहीं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हिंसा के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन जारी है, अब तक 10 लोग गिरफ्तार किए। गुजरात के वडोदरा में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा में एक्शन, कुल 23 लोग गिरफ्तार हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिनों का बिहार का दौरा, 6 महीने में अमित शाह का 5वां बिहार दौरा है। अमित शाह आज दोपहर 2 बजे नवादा में जनसभा को करेंगे संबोधित, सासाराम की रैली हंगामे की वजह से रद्द हुई थी। अमित शाह शनिवार की शाम को पहुंचे पटना, लोकसभा चुनाव पर पार्टी नेताओं से करेंगे चर्चा। अमित शाह की सासाराम रैली रद्द होने पर गवर्नर से मिले बीजेपी के नेता, मामले का संज्ञान लेने की मांग की। राहुल गांधी पर मानहानि का एक और केस दर्ज, आरएसएस ने हरिद्वार में मुकदमा दर्ज करवाया। राहुल गांधी पर आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताने का आरोप, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 9 जनवरी को अम्बाला की एक सभा में बयान दिया था। आरएसएस के एक कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है, 12 अप्रैल को होगी सुनवाई। वीर सावरकर के मुद्दे पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने राहुल गांधी को दिखाया आईना, कहा आजादी की लड़ाई में सावरकर के बलिदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शरद पवार ने नागपुर में कहा सावरकर को आज राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, देश में पहले से ही बहुत सारे मुद्दे हैं। संभाजी नगर में आज महाविकास अघाड़ी की जनसभा, शाम 5 बजे मराठवाड़ा सांस्कृतिक महामंडल मैदान में होगी जनसभा। उद्धव ठाकरे के अलावा अजीत पवार, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, संजय राउत और संजय जयंत पाटिल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, पूरे राज्य से कार्यकर्ता शामिल होंगे। संभाजी नगर में होते हुए दंगे को देखकर रैली के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम, महाविकास अघाड़ी आगामी चुनाव के प्रचार का जनसभा के साथ करेगी आगाज। बीएसपी प्रमुख मायावती आज माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की उम्मीदवारी पर कर सकती हैं फैसला, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी हैं शाइस्ता परवीन। मायावती ने आज पार्टी की पदाधिकारियों और 75 जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है, 11 बजे होगी बैठक। तो राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की आज जयपुर में बैठक है, नेता प्रतिपक्ष के नाम का हो सकता है ऐलान। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बैठक के लिए जयपुर पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पीएल संतोष भी बैठक में होंगे शामिल। पटियाला जेल से 317 दिनों के बाद रिहा होकर घर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, समर्थकों ने जश्न मनाकर स्वागत किया। रिहाई के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने कहा सरकार खौफ में है, सच सुनना नहीं चाहती। जेल से निकलते ही नवजोत सिद्धू ने की राहुल गांधी की तारीफ, कहा राहुल गांधी एक क्रांति का नाम है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम भगवंत मान को बताया खबारी, सीएम केंद्र पर लगाया कानून व्यवस्था के बहाने, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश का आरोप। रायपुर में कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा राहुल गांधी लोकतंत्र और जनता के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और कांग्रेस जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी। रामनवमी के दौरान हुई हिंसा पर बोले सीएम अशोक गहलोत, क्या इससे देश का विकास होगा। कर्नाटक में जेडीएस को लगा झटका, सीनियर लीडर एटी रामास्वामी ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले एटी रामास्वामी, बीजेपी के काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हूं, जनता की सेवा करना चाहता हूं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी सबसे पसंदीदा लीडर बने, 76% वोट के साथ टॉप पर। जो बाइडेन और ऋषि सुनक जैसे 21 नेताओं को पीछे छोड़कर पीएम मोदी टॉप पर पहुंचे, 2 नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति और 3 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम। दिल्ली के द्वारका में एक वकील वीरेंद्र कुमार की हत्या, बाइक पर आए 2 लोगों ने मारी गोली। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों हमलावर की पहचान हो गई है, जल्दी गिरफ्तारी का दावा। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान के शक्तिगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता राजू झा की गोली मारकर हत्या की, पूरे इलाके में मची सनसनी। देश में कोरोना के 2994 नए केस मिले, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 16,354 हो गई। दिल्ली में 7 महीने बाद कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज, शनिवार को 416 से ज्यादा मामले आए सामने।
दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी दर बढ़कर 14.3% हो गई है। एक शख्स की कोरोना से गई जान। भोपाल में पीएम मोदी से मुलाकात के पहले हुए कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार कोरोना पॉजिटिव, जाना पड़ा दिल्ली वापस। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में नेवी चीफ के अलावा 21 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, सभी को ड्यूटी से हटाकर किया गया क्वारंटीन। महाराष्ट्र में कोरोना के 699 नए मामले आए सामने, मुंबई में 189 कोरोना संक्रमण के मामले मिले। अमरोहा में पुलिस और प्रशासन की ज्वाइंट कार्रवाई, गौतस्कर रफी के एक मकान और दुकान को कुर्क किया गया। भारी फोर्स के साथ की गई कार्रवाई, आरोपी के खिलाफ गोवंश जैसे मामलों में 25 के करीब मुकदमे दर्ज। बिहार के मधुबनी में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट, 3 लोगों की मौत। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर की जा रही है पूछताछ, दूसरे आरोपियों की तलाश जारी। मुंबई एयरपोर्ट पर एक कैब ड्राइवर की पिटाई के आरोप में 6 बाउंसर्स गिरफ्तार, पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई। महाराष्ट्र के जलगांव में अज्ञात लोगों ने मूर्ति तोड़ी, घटना के बाद दो गुटों में हुई झड़प। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया, 12 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही। भोपाल से दिल्ली रवाना हुई वंदे भारत एक्सप्रेस आगरा पहुंचे, स्टेशन पर लोगों ने किया स्वागत। भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से किया रवाना। वंदे भारत ट्रेन में सवार होकर स्कूली बच्चे और ट्रेन कर्मचारियों से मिले पीएम, सभी का जाना हाल। ट्रेन में पोस्टर लेकर चढ़े स्कूली बच्चे, बच्चों ने सरकार की योजनाओं से लेकर वंदे भारत ट्रेन और इतिहास से जुड़ी चीजों के पोस्टर में दिखाया। वंदे भारत ट्रेन में चढ़ते ही लोगों ने खुशी जाहिर की, भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम मोदी ने कहा वंदे भारत ट्रेन देश के कौशल क्षमता और आत्मविश्वास को दिखाती है। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा, कहा विकास की बजाय तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन बना सैलानियों के आकर्षण का केंद्र, 2 हफ्ते में रिकॉर्ड 1.5 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंचे। नागपुर के गांधी बाग गार्डन में जुटे लोग एक साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। एनएसए अजीत डोवल पहुंचे उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोरापुट में खेल परिसर का शिलान्यास किया, एक भाषा प्रयोगशाला पुस्तकालय का भी किया उद्घाटन। गुवाहाटी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कैबिनेट मंत्रियों के बीच दोस्ताना क्रिकेट मैच, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ कल भी हुई बारिश। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अप्रैल के महीने में हो सकती है सामान्य वर्षा। अमेरिका में लिटिल रॉक में आए टॉर्नेडो में अब तक 21 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी। बवंडर ने लिटिल रॉक में मचाई भारी तबाही, कई मकान हुए तबाह और पेड़ उखड़ गए। लिटिल रॉक में टोर्नेडो के दौरान एक शख्स इमारत की छत पर आया, वीडियो वायरल। मैक्सिको में हॉट एयर बलून हादसे में 2 पर्यटकों की मौत, बैलून में आग लगने से हुआ यह हादसा। जीएसटी का मार्च में कलेक्शन 1,60,000 करोड़ तक पहुंचा, 13% का कलेक्शन में उछाल आया। 3 से 5 अप्रैल तक भारत दौरे पर रहेंगे भूटान के नरेश, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से करेंगे मुलाकात। यूपी में हाईवे पर टोल टैक्स हुआ महंगा, लोगों ने जताई चिंता, कहा सैलरी बढ़ नहीं रही, टोल टैक्स बढ़ गया। असम सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, डीए में 4% की बढ़ोतरी, 1 जनवरी से लागू होगा फैसला। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर, हैदराबाद में 3:30 बजे से शुरू होगा मैच। आईपीएल के आज के दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत होगी, बेंगलुरु में 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल में कल खेले गए मैच में लखनऊ ने दर्ज की पहली जीत, दिल्ली को 50 रनों से शिकस्त दी, आईपीएल में लगातार 3री बार दिल्ली को हराया। लखनऊ की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट खोकर 193 रन बनाया, दिल्ली की टीम 143 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लखनऊ की तरफ से मेयर्स ने 38 गेंदों में 73 रनों की धमाकेदार पारी खेली, निकोलस पूरन ने 36 रन बनाए। दिल्ली के खलील अहमद और चेतन साकरिया ने 2-2 विकेट लिए, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला। पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रनों से हराया, बारिश से बाधित मैच में डकवर्थ लुइस नियम से पंजाब को मिली जीत। पंजाब किंग्स ने 191 रनों का दिया था टारगेट, कोलकाता ने 16 ओवर में 147 रन बनाए, 16वें ओवर के बाद बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया। पंजाब की तरफ से भानुका राजपक्षे ने 50 रनों की पारी खेली, कैप्टन शिखर धवन ने 29 गेंदों में 40 रन बनाए। कोलकाता की तरफ से टीम साउदी ने 2 विकेट लिए, उमेश यादव, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिला। कोलकाता की तरफ से रसेल ने 35 और वेंकटेश अय्यर ने 34 रनों की पारी खेली, कैप्टन नितेश राणा 24 और गुरबाज ने 22 रन बनाए। साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच तीसरा वनडे आज मैच जीत कर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी साउथ अफ्रीका की टीम। मैड्रिड स्पिन मास्टर्स 2023 के फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, सिंगापुर के खिलाड़ी को सीधे गेम में हराया, सिंधु इस साल पहली बार किसी फाइनल में पहुंची। रघुपति राघव राजा राम पर नीता अंबानी ने किया डांस, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा कल्चरल सेंटर। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पहुंचे, प्रियंका और निक जोनस, निक जोनस ने कहा यहां परफॉर्म करके अच्छा लगा। प्रियंका चोपड़ा ने नीता मुकेश अंबानी और कल्चरल सेंटर की तारीफ की, कहा इससे कल्चर को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में फैशन डिस्प्ले शो का भी आयोजन, सेलिब्रिटी और क्रिकेटर हुए शामिल।